एवरीवन, मैं हूं कंवल यू फ्रॉम फोन वर्ल्ड और आज हम स्मार्ट रिव्यूज़ में दो बहुत ही खूबसूरत हैंडसेट का करेंगे रिव्यू, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 एंड माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 XL। दोनों हैंडसेट्स मैं आपको दिखा देती हूं। ये माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट डिवाइसेस हैं और ये वो फर्स्ट डिवाइसेस है जिन पे विंडोज़ 10 है। These come with an OS of Windows 10। इससे पहले जो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर था, वो जितने भी हैंडसेट्स थे विंडोज़ फ़ोन के जितने भी हैंडसेट्स थे उन सब पे विंडोज़ 8 थी। 8 के बाद ये डायरेक्ट जो विंडोज़ 10 के साथ लॉन्च हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ये पहले दो हैंडसेट्स हैं। इनका रिव्यू हम आपके साथ करेंगे और इनको कंपैरेटिवली रिव्यू करेंगे। हम आपको दोनों हैंडसेट्स एक साथ दिखाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट फीचर सब सेम हैं। एंड मेजर चीज़ जो हम इस रिव्यू में डिस्कस करेंगे वो विंडोज़ 10 के फीचर्स हैं जो कि विंडोज़ फ़ोन में हैं। वेल व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 एंड 950 XL। दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 एंड दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 XL। बोथ डिवाइसेस जो है वो विंडोज़ 10 सपोर्ट करती हैं। विंडोज़ 10 की फर्स्ट डिवाइसेस हैं ये दोनों। अभी हम क्या करते हैं, आहिस्ते आराम से इन दोनों का रिव्यू करते हैं। आई टेल यू कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950। आप इसकी बॉडी देखें, माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांडिंग है। आपको एक चीज़ दिखाती चलूं, दोनों की ऑलमोस्ट बॉडी एक जैसी है, शेप एक जैसी है। आप देख सकते हैं इन दोनों की कीज़। इसकी कीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वॉल्यूम की अलग है, उसके बाद कैमरा की अलग है एंड देन द पावर बटन इज़ डिफरेंट। पर यहाँ पे कैमरा की है, पावर बटन है एंड देन द वॉल्यूम कीज़। थोड़ा सा डिफरेंस है इस जगह पे। एंड देन यहाँ से हमें आपको दिखाना चाहूँ, आप ये देख सकते हैं USB पोर्ट एंड देन ऑडियो जैक देख लें आप दोनों का। जो हमारा 950 है उसका ऑडियो जैक साइड पे है और जो 950 XL है उसका ऑडियो जैक मिड में है। अब मैं आपको इन दोनों का कैमरा दिखाती चलूँ। इन दोनों हैंडसेट्स का जो कैमरा है इट्स 20 मेगापिक्सल कैमरा। कैमरा सेम है दोनों हैंडसेट का। इन हैंडसेट में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। देयर इज़ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द बोथ और जिनमें से एक मेजर डिफरेंस है इनका साइज़। बात करते हैं सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 की। वेल व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 5.2 इंच QHD डिस्प्ले। द मेन फीचर इसका एक जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव फीचर ये है कि ये दो डिवाइसेस है दोनों में QHD डिस्प्ले यूज़ हुई है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी हैंडसेट थे उन सब में FHD डिस्प्लेस थी। अदर देन दिस हम बात करते हैं आगे जनाब इसकी इंटरफेस की। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप ये देख रहे हैं विंडोज़ 10 कॉर्टेनम। जो कॉर्टेनम है इट इज़ अ फीचर दैट लेट्स यू टू हुक अप योर हैंडसेट विद योर कंप्यूटर। आप इसके साथ कर सकते हैं डिफरेंट, एक माउस और कीबोर्ड को अटैच कर सकते हैं और आपका जो सेल फोन है ये बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है और ये बिल्कुल इसका जो स्क्रीन है दैट बिकम्स अ कंप्यूटर, जैसे कि आपकी एक नॉर्मल कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। उसके बाद जनाब हम इसके डिफरेंट फीचर के बारे में एक और बात करें तो इन दोनों हैंडसेट में जो एक फ़ीचर यूज़ हुआ है उसे कहते हैं लिक्विड कूलिंग। लिक्विड कूलिंग क्या करता है वो, इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट कीप्स योर CPU कूल डाउन। मतलब ये आपके CPU जब भी हैंडसेट में प्रोसेसर काम कर रहा होता है तो आपके हैंडसेट को गर्म नहीं होने देता, ये आपको कूल डाउन करता है आपके हैंडसेट को। उसके अलावा जनाब आप देख सकते हैं कॉर्टेना। कॉर्टेना इज़ जस्ट लाइक सिरी। जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा सिरी इज़ अ स्मार्ट मैनेजर इन योर हैंडसेट। तो कॉर्टेना इज़ माइक्रोसॉफ्ट का जो मैनेजर है, स्मार्ट मैनेजर, उसका नाम है जनाब कॉर्टेना। आप उससे यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा जनाब इसकी एक बहुत डिफरेंट जो फीचर है वो ये है कि इसकी जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाती है। उसकी बहुत इसको कहते हैं, इसका प्लस पॉइंट है इन दोनों हैंडसेट्स का कि इनकी बैटरी फ्रॉम 0 to 50 चली जाती है इन जस्ट 30 मिनट्स ऑफ चार्जिंग। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट फीचर्स के ऊपर। इसका जो प्रोसेसर है हैंडसेट का इट्स 1.8 GHz सर, जबकि जो ये हैंडसेट है इसमें 2.0 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और इन दोनों हैंडसेट में जो रैम यूज़ हुई है दैट इज़ 3 GB रैम विच मेक्स इट क्वाइट फास्ट। अभी हम रैम की बात कर रहे थे तो यस आपको दिखाती चलूँ कि इंटरफेस दोनों का एक जैसा है। देख सकते हैं आप लोग इंटरफेस एक जैसा है, इनकी जो रैम है वो एक जैसी है। इनके प्रोसेसर में डिफरेंस ज़रूर है 1.8 एंड 2.0। उसके बाद हम बात करते हैं अगर इनकी रोम की, तो इस हैंडसेट का जो इंटरनल स्टोरेज है जो 950 है इट्स 32 GB इंटरनल स्टोरेज, जबकि 950 XL का जो स्टोरेज है दैट इज 64 GB इंटरनल स्टोरेज। दोनों हैंडसेट का जो मेमोरी है वो एक्सपैंड कर सकते हैं आप लोग अप टू 200 GB। दैट्स अ ह्यूज मेमोरी। आई मीन आप इसमें बहुत ज़्यादा पहली दफ़ा मैंने देखा है किसी हैंडसेट में 200 GB तक एक्सपैंडेबल आपको मिला है स्टोरेज। और उसके बाद एक और डिफरेंट फीचर अबाउट द बोथ हैंडसेट इज़ दैट 3.1 USB जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हुई है विच मेक्स जिसका फ़ायदा ये है कि वो बहुत स्पीडी ट्रांसफ़र करती है डेटा का 3.5 USB। और उसके बाद हम बात करते हैं जनाब बैटरी की। दोनों हैंडसेट में आप देख सकते हैं जो बैटरी है, देख तो नहीं सकते, मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों हैंडसेट में जो बैटरी है काफ़ी बड़ी है। 950 XL में जो बैटरी है इट्स 3340 mAh बैटरी, जबकि 950 में 3000 mAh बैटरी है। और जनाब आप चलते हैं इसके कैमरा की तरफ। बहुत ही आउट क्लास कैमरा है दोनों का। इट्स 20 मेगापिक्सल कैमरा और इसका जो कैमरा है वो उसका प्योर व्यू है। आपको पता है इससे पहले नोकिया जब होता था तो प्योर व्यू वाज फेमस, नोकिया वाज फेमस फॉर इट्स प्योर व्यू कैमरा एंड ट्रिपल LED RGB फ्लैश। आप ये देख सकते हैं इसमें ट्रिपल LED RGB फ्लैश है दोनों हैंडसेट्स में। आपको यहाँ भी और यहाँ भी आप देख सकते हैं। वेल व्यूवर्स, एक और चीज़ मैं आपको इस हैंडसेट की और भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। एक्चुअली ये दोनों हैंडसेट इतने इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। आप ये देख सकते हैं क्योंकि ये ड्यूल सिम हैंडसेट है तो आप इसमें देख सकते हैं कि SIM 1 के मैसेजेस यहाँ सेव होंगे एंड SIM 2 के मैसेजेस यहाँ सेव होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने दोनों सिम्स डाली हैं इस हैंडसेट में तो आपको दोनों एक डिफरेंट ही उसमें नज़र आएंगे। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यही चीज़ आपको यहाँ फ़ोन में दिखा दूँगी। आपकी फ़ोन फॉर SIM 1 एंड फ़ोन फॉर SIM 2 आप दोनों को डिफरेंटली यूज़ करेंगे। ऑल्दो अभी हमने इसमें एक भी SIM नहीं डाली हुई क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा SIM है नहीं। एंड देन मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे विंडोज़ फ़ोन की लगती है कि आप अपना जो फ़ोन है उसे बड़े आराम से उसे पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। आप अपने आइकन्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस तरह आप उन्हें सेट करना चाहते हैं। और यू कैन ऑलवेज़ प्ले विद योर डिस्प्ले। आपको बहुत ज़्यादा वो देता है, वैरायटी देता है आपको डिस्प्ले के साथ खेलने के लिए। और उसके बाद सेटिंग्स में आपको बताती चलूँ कि आप देख सकते हैं जो आपके पास क्विक कीज़ आती हैं, क्विक लॉन्च, आप ये देख सकते हैं। ऑल सेटिंग्स तो है ही है लेकिन एक्सपैंड करेंगे तो आपको कुछ क्विक सेटिंग्स भी आ जाती हैं। तो आपने जो जो आइकन्स इधर डालने हो आप सेटिंग्स में जाके उन सब आइकन्स को इधर लेके भी आ सकते हैं। और जनाब दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको इन दोनों का रिव्यू पसंद आ गया होगा। मेजर जो आपको चीज़ें बता दी हैं कि ऑलमोस्ट वैसे टेक्नोलॉजीज़ दोनों में सेम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिक्विड कूलिंग यूज़ हुआ है इसमें। और इसमें जो और एक अच्छी बात यह है कि आप अपने फ़ोन को अपना कंप्यूटर बना सकते हैं बाय अटैचिंग माउस एंड कीबोर्ड विद इट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 3.1 USB C टाइप पोर्ट है। आप इस पोर्ट को देख सकते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल पोर्ट। और ये टिपिकल इसके साथ टिपिकल डेटा केबल आप नहीं यूज़ कर सकते। इसकी स्पेशल डेटा केबल आती है जिसका पोर्ट डिफरेंट है, जिसका प्लग भी डिफरेंट है। यू विल हैव टू यूज़ दैट विद दिस हैंडसेट। व्यूवर्स, नाउ विल टॉक अबाउट द कैमरा ऑफ दिस हैंडसेट। आपको जैसे कि पता है कि दोनों हैंडसेट्स में 20 मेगापिक्सल कैम यूज़ हुआ है और प्योर व्यू कैमरा है तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता होगा इससे पहले भी नोकिया के जितने भी प्योर व्यू कैमरास थे वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव थे। तो इस हैंडसेट का भी कैमरा बहुत इंप्रेसिव है। आप यहाँ से डिफरेंट फीचर्स देख सकती हैं। आप इस हैंडसेट में जितने भी एक DSLR फंक्शंस होते हैं वो भी हैं इसमें। यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज योर पिक्चर। आप अपनी पिक्चर का वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हैं, ऑटो ISO सब कुछ उसका चेंज कर सकते हैं। अदर देन दिस वी हैव डिफरेंट लेंसेज। आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से भी डिफरेंट लेंसेज इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप फोटो टाइमर कर सकते हैं। आप बाकी मजीद सेटिंग्स में जाएँ तो आप अपने फ़ोटो को देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है। इफ़ यू वांट 8 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और फिर फ्लैश लाइट है, ऑटो ऑलवेज़। आप इसकी डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। आप अपने वीडियो को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप वीडियो किस उसकी फाइल साइज़ आपका होना चाहिए और आपकी वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए। रेजोल्यूशन आप यहाँ से डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। वेल व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये पिक्चर इसके फ्रंट कैम की पिक्चर है। ये देख सकते हैं आप इसका फ्रंट कैम है 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैम। और मैं आपको डिटेल्स दिखा दूँ इस पिक्चर की। जी, अब यहाँ से देख सकते हैं डेट, साइज़ 1.6 MB, डायमेंशंस, ISO, शटर स्पीड भी आपको इसकी बताई गई है उन्होंने कि 2.4 शटर स्पीड है। ISO बता दिए 2000 है। एंड फिर उन्होंने फ़ोल्डर लोकेशन अगर आपने देखी है तो ये आपको डायरेक्ट फ़ोल्डर लोकेशन पे भी ले जाता है जहाँ ये जो पिक्चर है वो सेव है। तो इट्स ऑलमोस्ट योर कंप्यूटर इन योर हैंड्स। वेल व्यूवर्स, ये था आप तक का रिव्यू अबाउट माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 एंड माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 XL। आई होप आपको रिव्यू और ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। इन केस आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे रिटन रिव्यूज़ पे भी जा सकते हैं। एंड इफ़ नॉट दैट, आप हमें हमेशा मैसेज करके पूछ सकते हैं आपको क्या चीज़ और जाननी है सैमसंग के बारे में, एंड वील गेट बैक टू यू। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।